फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस वन मेन एग्जाम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस के लिए एकदम बेस्ट क्लासेस रहेगी फ्रेंड। और इससे पहले मैंने क्लासेस कराई हैं, उन सब की क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वे उत्तर भारत में मौसम के पैटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं, 150 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए, ये भूगोल से रिलेटेड है लेकिन ये जीएस पेपर वन से है संबंधित, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने प्रश्न बोला, प्रश्न का आपको दृष्टिकोण बनाना होगा, किस तरीके से प्रश्न को हैंडल किया जाए, ठीक है। तो दृष्टिकोण में हम लोग देख लेते हैं, पहला बोल रहा है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो इस तरीके से यहाँ पर दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत करें आपको, ठीक है। उत्तर प्रस्तुत करना, इंट्रोडक्शन देना, पश्चिमी विक्षोभ क्या है इससे संबंधित, ठीक है। यह कैसे बनता है, इसकी क्या इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए, उत्तर भारत के मौसम पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए, उचित निष्कर्ष आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हैंडल करना, लिखना है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अब देख लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं WD, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय तूफान प्रणालियाँ हैं जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और पूरब की ओर बढ़ती हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक सर्दियों की बारिश और बर्फबारी लाती हैं। सर्दियों की बारिश और बर्फबारी लाती हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जाते हैं शरीर में, शरीर मतलब मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है वो देखते हैं। चलिए देखिए, गठन और विशेषताएं, इधर देख लेते हैं, ये हेडिंग तो आपको डालनी है, ठीक है, गठन और विशेषता, और इसमें एक एक करके पॉइंट बना के आपको लिखना है, ठीक है। आप ऐसा बना सकते हैं, आप ऐसे चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तीन, पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत ऋतु के दौरान भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर के ऊपर बनते हैं। दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखना, गति, ये प्रणालियाँ यूरोप और मध्य एशिया से होते हुए पूरब की ओर बढ़ती हैं और अंततः भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँच जाते हैं। तीसरा पॉइंट, विशेषताएँ, पश्चिमी विक्षोभ की विशेषता उनके निम्न दाब केंद्रों, संबंध वातार्गों गर्म और ठंडे, ये ठीक है, वातार्गों, और फिर कोष्टक में लिख लेना गर्म और ठंडे, तथा वर्षा से होती है फ्रेंड्स। वे जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं वहाँ अक्सर भारी वर्षा, बर्फबारी और तापमान में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डायग्राम पर, और इधर देख लेते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा दे रहा, पूरा व्यू दे रहा है आपको, इस तरीके से नहीं बना पाओगे, बस यहाँ पर तो मैंने एडिटिंग की है तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप बनाना और उसमें ये सब आपको पोजिशन दिखानी है, ठीक है। इक्वेटर, बेस्ट बेस्ट ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाना है। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेचर रीजन, इस तरीके से आपको मेंशन करना है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ का और दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। चलिए, उत्तर भारत के मौसम पर प्रभाव देख लेते हैं, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप चाहें तो भारत का मैप करके और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लें कि उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लाई गई वर्षा कृषि और भूजल स्तर को पुनः बहाल करने के लिए आवश्यक भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तापमान में उतार चढ़ाव देख लेते हैं। WDS के गुजरने से तापमान में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। WDS से जुड़ी ठंडी हवा के कारण तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है जिससे सर्द मौसम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत WD का गर्म क्षेत्र हल्का तापमान ला सकता है। इस तरीके से आपको करते जाना है। और आगे देख लेते हैं, बर्फबारी, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हो सकती है जो ग्लेशियरों और नदियों में बर्फ की परत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बर्फ पिघलकर सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि प्रभाव देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में कृषि के लिए लाभदायक है क्योंकि वे फसलों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करते हैं। हालांकि अत्यधिक वर्षा या असमय बर्फबारी से भी फसलों का नुकसान हो सकता है। 2019 में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में सरसों की फसल प्रभावित हुई थी और पंजाब में आलू की फसल को नुकसान पहुंचा था फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर, ठीक है। इस तरीके से आप फैक्स दोगे ना तो काफ़ी अच्छा लुक प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पर, ठीक है। न्यूज पेपर आप पढ़ा करें, ठीक है। डेली क्लासेस हम अपलोड करते हैं, बनाते हैं, तो आप वो न्यूज पेपर जरूर देखा करें, ठीक है, जिससे आपको फैक्स डाटा सबकी नॉलेज होते रहे। आप ये देखते हैं निष्कर्ष, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम के पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर सर्दियों
के महीनों के दौरान इनका प्रभाव मौसम विज्ञान से परे कृषि जल संसाधन और क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ब्लैक ब्लैक लिखा है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। आपके पास वहाँ पर पेन चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बस आपको जल्दी से एक लाइन खींच कर देनी, जो जो शब्द आपको अट्रैक्टिव लगे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप अंडरलाइन, ठीक है। जो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स।